kids, today we are going to start chapter 19, the earth and the sky part 2. Part 1 में हमने वार्म अप किया था, फिर ये filling the blanks किए थे और earth के बारे में explain किया था मैंने. earth, mountains, valleys, forest, plains, है ना, rivers, इनके बारे में हमने पढ़ा था. mountains क्या होते हैं, जो पहाड़ी एरिया पे बड़े बड़े से होते हैं उसको mountains बोला जाता है, यानी पहाड़. valleys are low areas of land between hills or mountains. hills और mountains के बीच में जो जगह होती है उसको बोला जाता है valleys. plains means जो बहुत बड़ी जगह होती है, plain area होता है, उसको बोलते हैं plains. रिवर जो कुदरत की देन, अपने आप कुदरती पानी जहाँ से बहता जाता है उसको बोलते हैं रिवर. रिवर आर नेचुरल स्ट्रीम्स ऑफ वाटर. फॉरेस्ट आर डेंसिटी कवर्ड विद प्लांट्स एंड ट्रीज. फॉरेस्ट में क्या होता है, फॉरेस्ट में पूरे पेड़ ट्री प्लांट्स एंड ट्री से भरा हुआ रहता है. सन के बारे में हमने यहाँ तक पार्ट वन कम्प्लीट किया था. सन क्या है, सन एक छोटा सा एक आग का घूला है. हम लोग यहाँ से दूर से देखते हैं तो हम लोगों को छोटा दिखाई देता है, और सन एक स्टार है. सन से हमको क्या मिलती है, हीट और लाइट, और हम लोगों को ये बहुत ज़रूरी है प्लांट्स एनिमल्स और पीपल के लिए. सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. द सन राइजेज एवरी मॉर्निंग, इट सेट्स एवरी इवनिंग. वी हैव नो सनलाइट आफ्टर द सन सेट्स, इट इज़ नाइट देन. इट इज़ कूल इन द मॉर्निंग, इट बिकम हॉट एट नून. सुबह ही हम लोग जैसे उठते हैं तो सुबह सनराइज होता है, यानी सूरज उगता है, और जैसे शाम होती है तो सूरज डूब जाता है, और उसके बाद में सनलाइट हमको नहीं आती है. तो हम लोग जो जब सूरज डूब जाता है तो हम लोग बोलते हैं रात. क्यों, क्योंकि अंधेरा हो जाता है. सूरज डूबने से हमको सूरज की रोशनी नहीं मिलती है, और सुबह के टाइम में थोड़ा ठंडा लगता है, यानी मॉर्निंग अच्छी लगती है. सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो बहुत ठंडा भी नहीं, यानी मीन्स कि ठंडे ठंडे कूल ब्रीज आती रहती है, और जैसे जैसे सूरज उगता है वैसे वैसे गर्मी बढ़ती है, धूप ज़्यादा होने लगती है. दोपहर के टाइम पे ज़्यादा धूप होती है. द मून एंड द स्टार्स. लुक एट द स्काई एट नाइट, देर आर थाउजेंड्स ऑफ टाइनी लाइट इन द स्काई. देर आर स्टार्स, दे ट्विंकल इन द स्काई. वी ऑल्सो सी द मून इन द स्काई एट नाइट. लाइक द सन एंड द स्टार्स एंड द मून आर ऑल्सो वेरी फार फ्रॉम अस. द मून एंड द स्टार्स, यानी जब रात का टाइम होता है तब हम लोग क्या देखते हैं, चंदा मामा को देखते हैं और तारों को भी देखते हैं, और तारे कितने छोटे छोटे जैसे डॉट जैसे लगते हैं हम लोगों को, है ना. दूर से हम लोग देखते हैं तो बहुत छोटे छोटे लगते हैं. द ट्विंकल इन द स्काई, वो लोग ट्विंकल ट्विंकल करते हैं ना, हम लोगों ने ट्विंकल वाली राइम्स पढ़ी है नर्सरी में, वो रात को चमकते हैं, ब्लिंक करते हैं. वी ऑल्सो सी द मून इन द स्काई एट नाइट, रात को हम लोग चंदा मामा को भी देखते हैं. लाइक द सन द स्टार्स एंड द मून आर ऑल्सो वेरी फार फ्रॉम अस, जैसे सन हमसे दूर है वैसे ही स्टार और मून भी हमसे बहुत दूर है. लुक एट द स्काई एट नाइट एवरी डे, डज द मून ऑलवेज हैव अ राउंड शेप. द मून चेंजेस इट्स शेप. चंदा मामा हमेशा गोल होते हैं, नहीं, वो हमेशा अपने शेप को चेंज करते रहते हैं. जब फुल मून होता है तो पूरा का पूरा सर्कल दिखाई देता है, हाफ मून में हाफ सर्कल, क्रिसेंट मून में एक 1/4 सर्कल हमको दिखाई, यानी 1/4 ऑफ मून हमको दिखाई देता है. न्यू मून में पूरा का पूरा काला दिखाई देता है, यानी रेडिश हो जाता है. व्हेन द मून इज़ अ फुल राउंड वी कॉल इट फुल मून. व्हेन वी कैन सी हाफ ऑफ अ मून वी कैन कॉल इट एज अ हाफ मून. व्हेन इट लुक्स लाइक अ स्लाइस ऑफ अ मेलन वी कॉल इट एज अ क्रिसेंट मून. We have no moon at all. This is called a new moon. We do not see the moon at all on a new moon day. जब पूरा का पूरा चांद हमको दिखाई देता है तो हम लोग बोलते हैं फुल मून. जिस दिन हाफ दिखाई देता है उस दिन बोलेंगे हाफ मून, और जिस दिन हम लोगों को एक स्लाइस की जैसा दिखाई देता है तो उसको बोलते हैं क्रिसेंट मून, और जिस दिन हमको चंदा मामा दिखाई नहीं देते उसको बोलेंगे न्यू मून. We do not see the moon at all on a new moon day. जिस दिन हमारा चांद का फर्स्ट डे होता है उस दिन हमको चंदा मामा दिखाई भी नहीं देते हैं. Clouds, lightning and thunder. The sky does not allow always look the same even during the day. Sometimes we see fluffy white cotton like clouds. They sail across the sky with the wind. Now the and then they block the sun. Sometimes the sky is covered with a dark cloud. Suddenly the sky lights up with a flash of lightning and we hear the loud noise of a thunder. It starts to rain in no time, but when the sun comes up after the rain we are welcomed with a rainbow.
हमेशा एक जैसा बादल नहीं होता है, एक जैसा आसमान नहीं होता है, कब कभार बादल बीच बीच में आते हैं जाते हैं। बादल कैसे दिखाई देते हैं, एक कॉटन की तरह आसमान में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। हवा के कारण वो एक जगह से दूसरी जगह सेल करते हैं। कब कभार वो सूरज के बीच में भी आ जाते हैं, ताकि हवा के कारण बीच में आ जाते हैं। तब कभी कभी बादल बीच में आने से थोड़ा धूप कम लगता है हमको, और कब कभार थंडर भी होता है, यानी बारिश की सीजन में आप लोगों ने देखा होगा कि बादल में से लाइटनिंग होती है, फिर बहुत आवाज़ें आती है, तब थंडर होता है। कब कभार रेनबो भी हमको दिखाई देता है ना, आप लोगों ने रेनबो देखा होगा, है ना। सो बारिश के टाइम पर ऐसा होता है। फटाफट एक बार हम लोग द अर्थ एंड द स्काई, द अर्थ वी लिव ऑन अर्थ, अर्थ इज कवर्ड विद द लैंड एंड वाटर, ऑन द लैंड देर आर माउंटेन्स रिवर्स वैलीज फॉरेस्ट एंड प्लेन्स। अर्थ कहाँ पर है, अर्थ में क्या क्या है, अर्थ में पानी है, फॉरेस्ट है, रिवर्स है, वैलीज है, माउंटेन्स है ना, और अर्थ पूरा का पूरा पानी से भरा है, 3/4 पानी से भरा हुआ है। द स्काई इज द ओपन स्पेस अबाउट द अर्थ, इन द स्काई वी कैन सी सन मून एंड स्टार्स, डार्क क्लाउड्स ब्रिंग रेन, व्हेन द सन कम्स आउट आफ्टर द रेन वी कैन समटाइम्स सी अ रेनबो। स्काई में क्या होता है, बादल होते हैं, सूरज होता है, चंदा मामा होता है, स्टार्स होते हैं ना, और जब बादल काले हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं, तब हमारे बारिश की सीजन होती है, तब हमको बारिश आती है ना। आप ट्राई कीजिएगा एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए। ओके किड्स, पूरा चैप्टर रीड करोगे, समझोगे। ओके बाय।